हे गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी अजीब सी वीडियो के साथ। अबे इतना भी सच नहीं बोलना था यार, लेकिन नहीं, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। भाई भाई वैलेंटाइन आ रहा है 14 फरवरी। यार की एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रोज गिफ्ट चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कॉर्न स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम। मूड को बनाए रख, मुंह के टेस्ट को बनाए रखिए, डेली खाए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम। माफ करना उधर निकल जाता हूँ। यार वैलेंटाइन की एक्साइटमेंट इतनी होती है जैसे बहुत कुछ करना है। अच्छे कपड़े चेक, रेस्टोरेंट चेक, फ्लावर्स चेक, चॉकलेट चेक, गर्लफ्रेंड ही नहीं है बस। अजी बॉयफ्रेंड चलेगा, तू कौन है बे? ये वैलेंटाइन मेरे साथ छी पागल के दूर। अरे पर आओ तो सही, कुछ नहीं होगा, मेरी गाल से गाल चिपकाऊं तो मुलायम से। आओ आओ भागे से जारी साला। तो हम कहाँ थे? टू माई फ्यूचर किड्स, मेरे बच्चों मुझे पता है कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है ना, लेकिन पापा ना आपके लिए बहुत अच्छी मम्मी ढूंढ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा वेट और करो, पापा ढूंढ लेंगे अच्छी मम्मी, ठीक है? मेरे को पता है कुछ होना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वैलेंटाइन के टाइम इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, जैसे पता नहीं क्या होगा। बेचारे सिंगल होंगे, सारे साल ट्राई करते, पूरा एक साल निकल जाता है, फिर जनवरी आ जाता है, फिर फरवरी भी आ जाता है, 13 फरवरी तक करते हैं। जिनका हो जाता है और जिनका नहीं होता, हेलो बजरंग दल मानने के लिए क्या क्या चाहिए? ऐसी बात नहीं, सिर्फ सिंगल्स को ना 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे बेइज्जती करवा रखी अपनी। वैलेंटाइन डे वाले दिन दिक्कत आती है, लेकिन यार उससे पहले भी तो आते हैं, रोज डे, हग डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, 7 से लेकर 14 तक जो कठिन परिश्रम दुर्गति देने वाले देखा, याद हो गया मेरे को, कल याद नहीं हो रहा था, दुर्गति देने वाले दिन होते हैं ना भाई, इनको फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले आता है 7 तारीख रोज डे, उस दिन एक नर एक नारी को फूल अर्पित करता है। उस दिन फूल बेचने वाले भाई पैसा ही पैसा होगा, 100 रुपए का फूल बेचते, 100 रुपए का एक फूल। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, स्कूल टाइम की बात है, हम लोग पता क्या करते, पहले ही पार्क में जाके फूल तोड़ लाते, और यूं ही एक एक दो दो चार पांच, जैसे बस हमारे लिए सब बाहर खड़े, लो जी फूल कल शादी आना जरूर। पर क्या हुआ, एक लड़के ने एक लड़की को जाकर फूल दे दिया, और भाई उस लड़की ने जाकर सीधा मैम को ही बता दिया, और समझ नहीं आता ये लड़कियां मैम को ही क्यों बताती सारे टाइम। मैम रोज दिया है, खा लो चॉकलेट दी है, खा लो दोस्तों के साथ, खा लो बॉयफ्रेंड के साथ, खा लो घर वालों के साथ, खा लो, खाते खाते उस लड़के की बेइज्जती कर लो, वैलेंटाइन डे पे मना कर देना, और क्या। गंदी बात, सारी बातें नहीं सुनते मेरी, ठीक है? गंदी बात। फिर नेक्स्ट आता है 8 तारीख प्रपोज डे, और सही बताऊं मेरे लिए तो शायद मेन डे यही है, क्योंकि यही से पता चलता है, प्रपोज डे से ही पता चलता है कि कौन बंदा सिलेक्ट है, कौन बंदा। ओ हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो? भाई साहब जो बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं वो नेक्स्ट डे चॉकलेट डे के लिए चॉकलेट लेने चले जाते हैं, और जो बंदे रह जाते हैं महंगी चॉकलेट देंगे, जो मेरे को फोन करके कहते हैं हेलो भाई एक 15 रुपए का रिचार्ज कर दे 1 GB का, मैं तेरे को कल दे दूंगा, खुद के कच्चे में छेद दो, लेकिन गर्लफ्रेंड को महंगी वाली चॉकलेट दिलाएंगे, जिस दिन उसको पता चल गया ना उसी छेद में हाथ डालकर फाड़ देगी साला। फिर आता है 10 फरवरी टेडी डे, और फिर से खर्चा, कोई बात नहीं, नहीं नो अच्छा बहुत लगता है ना, ये बंदी की हाइट होती है 4 फीट 5 फीट और टेडी बियर 6 फुट का ले गए, 8 फुट का ले जाएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, प्यार है प्यार, लेकिन सोचना चाहिए भाई, अगर उस टेडी बियर को इनकी बंदी के ऊपर गिर दो ना दब के मर जाए, मैं उठ ना पाए, और लड़के लात तो देते हैं, बाद में फिर सोचेंगे इसको घर कैसे लेके जाऊंगी, मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी को क्या कहूंगी, ये तो पर्स में भी नहीं आएगा, यहाँ छोड़ के भी नहीं जा सकती, बंदा गुस्सा हो गया तो। अभी याद आ रही है अम्मा तुमको, पहले कह दी थी छोटा ले आता वो, नहीं बड़ा कहीं मेरे को तो बाबू। चलो छोड़ो, फिर आता है 11 फरवरी
प्रॉमिस डे भाई ये होता है मस्त दिन। इस दिन तो लड़कियां लड़कों से प्रॉमिस कराती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्रॉमिस कराती हैं, बॉयफ्रेंड कैसे कराएगा? मेरे से प्रॉमिस करेगा मैं मारूंगी। हाँ गर्लफ्रेंड कहती है प्रॉमिस करो कल से सिगरेट नहीं पियोगे, प्रॉमिस करो मेरे अलावा किसी और लड़की को नहीं देखोगे, ओके? मुझे याद है मेरी क्रश ने भी ना मुझसे प्रॉमिस डे पे प्रॉमिस करवाया था, बहुत एक्साइटेड हो रहा था मैं, कहती कि प्रॉमिस करो आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। आई हेट प्रॉमिस, आई हेट। रहा था 12 फरवरी हग डे, देखो कपल्स तो एक दूसरे को हग करके हग डे बना सकते हैं, लेकिन बेचारे सिंगल्स वो तो बेचारे सुबह सुबह उठ के टॉयलेट सीट पे बैठ के अपना हग डे हैप्पी हग डे। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं समझ आ रही सारी सी मैसेज ले क्यों कर रही है, क्यों कर रही है बता ना। बस इस दिन के बारे में कुछ मिला ही नहीं तो नेक्स्ट डे चलते हैं ना। किस डे है? किस डे 13 फरवरी किस डे? हाय एक और कर दूं, सही बताऊं ये दिन वैसे तो इतना दुख देता है क्योंकि हमारा मूड ना हमेशा ना इमरान हाशमी वाला रहता है, लेकिन रिलेशनशिप स्टेटस सैलमन बॉय। तेरह फरवरी हो चाहे 14 फरवरी हो कुछ होना था नहीं तो फिर आता है वो दिन जिसका सब टीनेजर्स को वेट रहता है, वैलेंटाइन डे। एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो, मतलब एक्साइटमेंट तो इतना हो रहा है, काश ये एक्साइटमेंट ना पहले पढ़ाई के टाइम होता तभी रात के 2:30 बजे ना वीडियो नहीं बना रहा होता। मुझे समझ नहीं आता एक्साइटमेंट है किस चीज का, जब किस्मत में है ही नहीं पड़ी तो किस चीज की 14 फरवरी? गूगल फेसबुक इंस्टा मेरे को नोटिफिकेशन दे रहा है कि आज वैलेंटाइन है, अरे मैं क्या करेगा रे जान के बाबा मैं क्या करेगा। लेकिन नहीं इस बार नहीं, इस बार अपन वैलेंटाइन बनाएगा, इस बार अपन वैलेंटाइन बनाएगा। ओ मेरे अपर लिप्स कितने बड़े हो गए ना मुझसे, मेरे को तो ये बकलोल की फोन कर रहा है मेरे को। हेलो बोले डे, हाय देखो कितने प्यार से मेरे को बोलती है एड़े। हाय मैं कह रहा था अबे जल्दी बोलना मेरे को मुंह छुड़ाने जाना पार्लर में, बोलना मैं 14 फरवरी का फ्री हूँ तो। सुन बे पहली बात तो ये तू साल के 365 दिन फ्री रहता है, दूसरी बात ये इस 14 फरवरी मैं रोहन के साथ जा रही हूँ, समझ गया एड़े? कोई बात नहीं इंजॉय। अच्छा वैसे जा कहाँ रहे? ओ ठीक है इंजॉय इंजॉय ठीक है ठीक। हेलो बजरंग दल एक एड्रेस नोट करना,